एक मिनट, आप इसके बाद आप फिर आपकी तरफ, और अब 7 मिनट के अंदर जो पूछना है पूछ लीजिए, बाकी मदारिस इंशाल्लाह खाद्यान्न में भी होंगे। हुजूर, मेरा नाम आशिक हुसैन है, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ जी। मुझे मेरे अजीज दोस्त तनवीर अहमद खान साहब और मौलवी नियाज साहब ने मुलाकात के बाद बताया था कि आप ज़ेरे तंदीर हैं, दुआ करूँ। हाँ, वही हैं आप। मैं एक सवाल अर्ज करना चाहता हूँ, जहाद किससे कहते हैं और जहाद की कितनी किस्में हैं? जहाद की अव्वल किस्म तो वो है जिसको कुरान करीम ने इस आयत में बयान फरमाया, वह जाहिद हुम बही जहादन कबीरा, के कुरान के जरिए जहाद कबीर करो। तो जहाद कबीर ये सबसे बड़ा अजीम जहाद जो है वो कुरान करीम की तालीम को दुनिया में फैलाना है। जहाद सगीर इसके मुकाबले पर नंबर 2 दर्जे का नफ्स का जहाद है, और वो भी ज़ाहरी तलवार के जहाद से अफजल है। नंबर 3 दर्जे का जहाद वो है जबकि मजहब के इख्तलाफ के नतीजे में आप पर कोई दुश्मन तलवार उठाए और आप मजबूर हो जाएं तलवार से उसका जवाब देने पर, ये भी जहाद की किस्म में दाखिल है। लेकिन कुरान करीम ने जब पहली दफ़ा इजाज़त दी तो वहाँ इसको जहाद करार नहीं दिया बल्कि किताल करार दिया है। किताल, चुनाचे सूरह जुमा में यह आयत है जहाँ पहली दफ़ा इजाज़त मिली है जिसको हम जहाद समझते हैं, सिर्फ जहाद जिसको बाज़ उलमा समझते हैं, फरमाया वो उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नसरिहिम लक़दीर। तमाम उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये सूरह हज की वो आयत है जिसने पहली मरतबा उनके नज़दीक जहाद की इजाज़त दी, मगर लफ्ज़ जहाद इस्तेमाल नहीं हुआ, किताल का लफ्ज़ है। फरमाया उन लोगों को मुकाबल पर तलवार उठाने की इजाज़त दी गई है जिनके खिलाफ दुश्मनों ने पहले से तलवार उठा रखी है, और अल्लाह इस इजाज़त के साथ ये यकीन दिलाता है وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, अल्लाह ताला उनकी नुसरत पर कादिर है। तो वो जहाद की किस्म जिसको किताल कहा गया है वो मशरूत है। मशरूत इस बात पर है कि दुश्मन पहले ज़ाहरी हथियारों के ज़रिए तुम्हारे ऊपर हमला करे और जबर में पेश पहल करे। हर किस्म के जहाद में बुनियादी रूह और बुनियादी फ़लसफ़ा इंसाफ का एक ही है, और वो ये है कि दुश्मन जिस हथियार से तुम पर हमलावर होता है तुम्हें हक है कि उसी हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। अगर दुश्मन दलाइल की रूह से आता है तो दलाइल की रूह से मुकाबला करो, अगर दुश्मन नसाहे के जरिए हमला करता है बेहतर नसाहे के जरिए उसको जवाब दो, अगर दुश्मन तलवार उठाता है तो कुरान कहता है तुम्हारा बुनियादी हक है कि तलवार के मुकाबले पर तलवार उठाओ। इसमें जहाज की सारी किस्में आ जाती हैं, लेकिन बीच की किस्म जो है नफ्स के खिलाफ जहाद, उसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लम की एक हदीस में मिलता है। एक दफ़ा गजवे के बाद वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि हम अब जहाद सगीर से जहाद कबीर की तरफ लौट रहे हैं, यानी अपने नफूस की तरबियत का जहाद और तबलीग का जहाद। तो इन दोनों जहादों को इस हदीस ने तलवार के जहाज से अफजल करार दे दिया, पर जब रसूलुल्लाह सल्लम उसको बेहतर कहते हैं और अफजल करार दे रहे हैं तो कौन होता है उसको अदना करार देने वाला, समझ गए? लेकिन इस्तलाह जहाज की इन मानों में लाजमन मजहबी इख्तलाफ के नतीजे पर रूनुमा होने वाली लड़ाई पर सादिक आएगी। इसका यह मतलब नहीं कि मुसलमानों को दूसरी लड़ाइयों की इजाज़त नहीं है, मगर दूसरी लड़ाइयों को जहाद कहने का जो शौक चल रहा हुआ है ये दुरुस्त नहीं है, इसकी कोई सनद कुरान करीम में नहीं है। बस अब कश्मीर का लफ्ज़ है, कश्मीर की लड़ाई हो रही है, वो एक जंग आज़ादी है, उसका सियासी एक जवाब पेश किया जाता है
उसको दीनी मानों में जहाद करार देना दुरुस्त नहीं है। इसलिए वो जहाद जो है वो और मानों में जहाद है, वो रसूलुल्लाह सल्लम की एक हदीस है जिसका इतलाक दरअसल दुनिया के हर इंसान पर बराबर होता है, मुसलमान गैर मुसलमान का फर्क नहीं। जो शख्स अपने हक की हिफाजत में मारा जाता है उसको भी एक किस्म का शहीद करार दिया, जो शख्स डूब जाता है उसको भी शहीद करार दिया। तो अब डूब कर मरने वाले हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, फासिक फाजिर मुसलमान भी हैं, डूब के मरते हैं, वो सारे शहीद हो जाते हैं। मतलब ये है कि एक गैर मामूली इम्तियाज मुमताज रंग में बाकी मौतों से अलग मौत वाकया हुई, इसलिए उसको शहीद का लक़ब दे दिया गया। मगर इस्तिलाह में शहीद वो नहीं है, समझे, इस्तिलाह में वही शहीद है जो दीन की खातिर लड़ता है। बस जहाद भी अमूमी मानों में आप कश्मीर पर इतलाक कर दें या किसी राजपूताने पर इतलाक कर दें, यह आपका ज़ौकी मसला है। शरी इस्तिलाह में वही जहाद है जिसकी कुरान ने तारीफ की है कि अगर मजहबी अकायद पर अमल करने से तुम्हें कोई कौम रोकती है और इसमें तलवार से काम लेती है और तुम्हें सजा देती है अगर तुम अपने मजहबी अकायद पर अमल करते हो, फिर अगर तुम लड़ते हो तो उसका नाम जहाद है। और उस जहाद की एक पहचान रख दी, उससे हर कसु नाफिस उसको पहचान सकता है, वो ये है वह इन अल्लाह अला नसरहिम लकदीर, जिसको खुदा जहाद की इजाजत देता है उसे गालिब भी करके दिखाएगा अल्लाह के, क्योंकि उसके पास ताकत है। ये शर्त अगर पूरी आती है कहीं तो हक है कि उसको बेशक शुमार करो, अका वो जहाद हो या ना हो, कुछ इस वजह तो मौजूद है ना उसको जहाद करार देने की। अगर सादिकी ना आए तो उसको जहाद कैसे करार दे सकते हो। एक फिलिस्तीनी मेरे पास आए बड़े जोशीले, उन्होंने कहा कि बताओ, हमें पता लगा तुम्हें ये कहते हो वो कहते हो, बताओ फिलिस्तीन का जहाद जहाद है कि नहीं, आज़ादी फिलिस्तीन का। मैंने कहा कुरान की रूह से तो नहीं बनता। बड़ा उसको तैशा अरब थे वो, कहते क्या क्या मतलब है, किस तरह नहीं बनता। मैंने कहा कुरान करीम ने जहाँ जहाद की इजाज़त दी है तुम्हें इलम है, जहाँ मैंने कहा सूरह हज की ये आयत है कि नहीं, साथ ही ये फरमाया मैं इजाज़त देता हूँ इस शर्त और इस वादे के साथ, इन्नल्लाह अला नसरहिम लकदीर, खुदा तुम्हें कमज़ोर देखते हुए भी तुमसे वादा करता है कि तुम्हें ज़रूर फतह देगा, और इस बात पर कादिर है। मैंने कहा कितने महाजों में तुम्हें यहूदियों पर फतह हासिल हुई है बताओ, खुदा झूठ बोलता है। जहाद पर टकरा दिया और मदद के वक्त हाथ खींच लिए, कुछ शराफत है कि तो इंसान भी ऐसी हरकत करे तो तुम उससे मुंह फेर लोगे। कैसे उस खुदा की इबादत करते हो जो तुम्हें एक दफा कहता है लड़ो लड़ो परवाना करो मैं तुम्हारे पीछे हूं, और जब मार पड़ने का वक्त है तो पीछे देखो वहां है ही कोई नहीं। मैंने कहा ये वही खुदा है जिसने रसूल सल्लम से वादा किया था और हर दफा सच्चा साबित कर दिखाया, हर कमजोरी की हालत को गलबे में तब्दील कर दिया। आपके गुलाम जब रोमा से टकराए हैं तो उस पर भी फतह हासिल हुई, जब कैसे किसरा की ताकत से टकराए हैं उस पर भी फतह हासिल हुई, नजर आता था कि कोई पीछे सच्चा वादा करने वाला है, तुम्हारी दफा कहां गया वो। तो अगर वो जहाद था तो ये नहीं है, और अगर वो खुदा था तो फिर तुम्हारा खुदा वो नहीं है, समझ गए। तो जहाद की एक ऐसी तारीफ कुरान ने कर दी जो दिखाई देती है सादिक होती आती हुई। एक और सवाल जी, एक और सवाल, हाँ जी फरमाइए।